हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आप लोगों को गोल्ड वेव ऑडियो एडिटर यानी कि गोल्ड वेव ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो वॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा, स्पीच में कैसे कन्वर्ट होगा, ये मैं आपको गोल्ड वेव ऑडियो एडिटर के अंदर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड वेव को ओपन करेंगे और गोल्ड वेव ये ऑडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर जब आपका लोड हो जाएगा तो उसका कुछ लुक इस तरह आएगा विंडो का। तो इसमें एक ऑप्शन है, सबसे पहले देख सकते हैं गोल्ड वेव टाइटल बार, उसके बाद मेनू बार है। मेनू बार में एक ऑप्शन है जिसका ऑप्शन में जाएंगे, टूल ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा। यहाँ एक ऑप्शन है, देखें स्पीच कन्वर्टर। स्पीच कन्वर्टर जो है, स्पीच कन्वर्टर जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके माध्यम से हम लोग जो भी टाइप करेंगे वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। स्पीच कन्वर्टर में क्लिक करें, करने के बाद स्पीच कन्वर्टर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेस्ट टेक्स्ट हेयर एंड यूज़ द स्पीक बटन टू रीड इट। अब मैं जो भी टाइप करूँगा, यहाँ कर्सर दिखाई दे रहा होगा, अब मैं जो भी टाइप करूँगा उसे आप स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाउ आर यू, यू लिख दिया। अब इसे अगर मैं सुनना है तो यहाँ पे स्पीक का बटन दिया हुआ, टाइप करने के बाद आपको स्पीक का बटन में क्लिक करना होगा तो आपको सुनाई देगा। अगर मैं स्पीक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सुनाई दे रहा है। उसके बाद फिर अगर कुछ ऐड करना है, स्पेस दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया थैंक्स फॉर वाचिंग। करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं दो लाइन यहाँ पे पहला ऐड किया हाउ आर यू, उसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ये स्पीक कैसा सुनाई देगा, ये इसे टेक्स्ट को मैं स्पीच में कैसे कन्वर्ट करूँगा। यहाँ स्पीक बटन दिया हुआ है, स्पीक पे आप क्लिक कर दिए, हाँ आपको सुनाई दे रहा होगा। अगर आप टाइप करेंगे तो आपको सुनाई देगा। स्पीक पे क्लिक करने के साथ आप चाहें तो इसे सेव भी करते हैं। स्पीक टू फाइल का जो बटन दिया हुआ है, ये जो मैं टाइप किया हुआ है, इसे आप चाहते हैं ऑडियो में, इसे आप सेव करना चाहते हैं वेव फॉर्म ऑडियो में, तो स्पीक टू फाइल के बटन पर क्लिक कीजिए। करने के बाद सेव साउंड एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जिस जगह आप इसे सेव करना है, जैसे मैं इसे अगर डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूँगा या गोल्ड वन नाम से फोल्डर उसके अंदर अगर सेव करना है, और यहाँ पर सेव एज अ टाइप दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, लॉसलेस बेस्ट है, लॉसलेस कोडिक का दिया है, या वेव फॉर्म या MP3, जो भी अगर वेव फॉर्म में करना है। यहाँ पर नाम दे दिया मैंने स्पीच कन्वर्टर दे दिया नाम, उसे मैं इसे यहाँ पे सेव कर दूँगा। सेव करने से जो भी वो ये जो लिखा था मैंने हाउ आर यू थैंक्स फॉर वॉचिंग, वो ऑडियो में कन्वर्ट हो गया, वहाँ आप उसे सुन सकते हैं। अगर मैं उसे ओपन करना चाहूँगा, इसे अगर मैं क्लोज कर देता हूँ, अगर ओपन करना चाहूँगा तो यहाँ पे टाइटल बार है, उसके बाद यहाँ पे मेनू बार है, यहाँ ओपन का बटन दिया हुआ है, क्या नाम था और डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था, यहाँ पे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करूँगा मैं, उसके बाद गोल्ड वन फोल्डर को ओपन करूँगा। करने के बाद यहाँ पे देखिए स्पीच कन्वर्टर नाम से लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे मैं क्लिक कर दिया, उसके बाद ओपन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्पीच कन्वर्टर डॉट वेव फॉर्मेट में, अब मैं जो आवाज़ मैंने जो टेक्स्ट टाइप किया था यहाँ पे वेव फॉर्म में आप देख सकते हैं वो दिखाई दे रहा। आप चाहें तो इसे प्ले करके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कर्सर है क्लिक, ये प्ले हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्ले बटन दिया है, कंट्रोल का विंडो जो है यहाँ प्ले बटन है। तो अपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया उसे स्पीच में कन्वर्ट कीजिए, वॉइस में कन्वर्ट कीजिए और उसे एडिट भी कर सकते हैं आप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान है, गोल्ड वेव को ओपन करना है और यहाँ पर मेनू बार में जाना है, टूल पर क्लिक करना है और स्पीच कन्वर्टर का जो ऑप्शन है स्पीच कन्वर्टर उस पर क्लिक कर दें तो स्पीच कन्वर्टर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ आपको सिर्फ टाइप कर देना है, उसके बाद स्पीक पे क्लिक करना है तो आपको सुनाई देगा, और अगर सेव करना है तो स्पीक टू फाइल को आपको क्लिक करना है और वो ड्राइव और जिस जगह भी आपको सेव करना है और जिस फॉर्मेट में सेव करना है, वहाँ अलग अलग फॉर्मेट है, वेव है, MP3 है, बहुत सारे फॉर्मेट है ऑडियो का, उसे आप सेव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।